नमस्कार, दिन है 23 अगस्त, दिन है शुक्रवार और इस वक्त हम जयपुर में खड़े हैं आपको बताने के लिए मौसम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, मौसम का क्या पूर्वानुमान है ये आपको बताते हैं। फिलहाल जयपुर में हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर सूरज की रोशनी आ रही है और आंखें बंद हो रही हैं, यानी कि जयपुर में मौसम फिलहाल पूरी तरह से साफ है। अभी तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे, कुछ घंटों में अगर बारिश हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। मौसम अचानक से पलटी खाता रहता है, बदलता रहता है, ये खास बात देखी है पिछले कुछ दिनों में। अचानक से कब बादल आ जाए, कब बरसात हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल जयपुर का मौसम पूरी तरह से साफ है, बादल कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे, बारिश के कोई आसार दिख नहीं रहे फिलहाल के लिए। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, पूर्वानुमान जारी कर दिया है। ऐसा कम ही होता है कि मौसम विभाग आगामी 2 सप्ताह के लिए पूर्वानुमान जारी करता है, हमेशा एक हफ्ते का पूर्वानुमान जारी होता है, लेकिन आज जो है वो 2 सप्ताह का यानी 5 सितंबर तक का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। बहुत कुछ उसमें जानने के लिए जरूरी है। आपको बता दें 2 सप्ताह तक राजस्थान में कई जगहों पर जमकर बारिश होती रहेगी, कहीं पर भी बादल रुकेंगे नहीं, यानी कि मानसून का तंत्र सक्रिय है राजस्थान में। मौसम विभाग ने 2 अलग अलग सप्ताह में बांटकर पूर्वानुमान जारी किया है। पहला सप्ताह है आज 23 तारीख से लेकर 29 अगस्त तक का, जहां पर बताया गया है कि अगले 1 सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा पूर्वी राजस्थान में। और कहां कहां बारिश हो सकती है, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर के संभाग में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और हाँ, कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है अगले 5 से 6 दिन सप्ताह के। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी बारिश लगातार जारी रहेगी। बीकानेर और जोधपुर संभाग के लिए फॉरकास्ट है कि 25 और 26 अगस्त को कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लिए। इसके अलावा ये भी पूर्वानुमान जताया गया है कि इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होगी कुछ जगहों पर और कुछ जगहों पर सामान्य से अत्यधिक ज्यादा बारिश होगी, यानी कि भारी बारिश कई जगहों पर इतनी होगी कि नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी, सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होगी। दूसरा सप्ताह बताया है 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक, दूसरे सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने अभी ये दूसरे सप्ताह का क्लियर नहीं किया कि कहां कहां पर बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अभी मानसून सक्रिय लगातार रहेगा, अगले 2 हफ्ते तक जगह जगह पर बारिश होगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। समझ लीजिए सामान्य से अत्यधिक बारिश होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अभी पिछले कई सप्ताह तक हम बारिश से कई जगहों पर परेशानी हुई है, भारी बारिश हुई है और यही भारी बारिश अब आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और ये भी बता दें कि आज का मौसम विभाग का जो 3 घंटे का पूर्वानुमान है, सुबह 7 बजे एक पूर्वानुमान जारी किया है सुबह 10 बजे तक के लिए, यानी 3 घंटे तक के लिए कहां कहां बारिश होगी ये भी सुन लीजिए। येलो अलर्ट है जहां पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, ऐसी जगहों में बीकानेर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, बारा, कोटा, चूरू, पाली, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये वो जगह है जहां पर अगले 3 घंटे तक बारिश हो सकती है। तो फिलहाल तैयार रहिए, बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इस मौसम से जुड़ी अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, जुड़े रहिए पत्रकार डिजिटल के साथ।